हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूम मैथ्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज 22 दिसंबर है, जो नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हमारी इस कंट्री इंडिया में। और इसी के साथ हमारे चैनल के लिए भी यह स्पेशल दिन है, क्योंकि आज जो हम वीडियो पब्लिश करने वाले हैं वह हमारे चैनल की 50th वीडियो है। सो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल आवर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स जो हमारे साथ बने रहते हैं और हमारी पूरी वीडियो देखते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। और जैसा कि आज सर रामानुजन का बर्थडे है, इसलिए आज का दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो रामानुजन के लिए एक छोटे से ट्रिब्यूट के रूप में हम आज की इस वीडियो में रामानुजन सम, जो सम होता है ऑल नेचुरल नंबर्स का, जो नेचुरल नंबर्स होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 काउंटेबल नंबर्स, उनका सम जो रामानुजन ने प्रूव किया था, आज की इस वीडियो में हम उसी को प्रूव करने वाले हैं। तो देखते हैं आज की यह वीडियो, रामानुजन सम। जो सम होता है 1 + 2 + 3 + 4, यह किसके इक्वल होना चाहिए? ऑब्वियसली सभी लोग बोलेंगे कि इट वुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट और इट विल डाइवर्जिस, यानी कि इसको हम फाइंड नहीं कर सकते या इनफाइनाइट के इक्वल होगा। मगर सर रामानुजन ने इसको प्रूव किया था और इनफाइनाइट ना होकर इट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/12। बट हाउ इज इट पॉसिबल? दीज ऑल आर पॉजिटिव नंबर एंड इफ बी एट पॉजिटिव नंबर्स इट शुड बी पॉजिटिव, बट ही प्रूव्ड इट एंड इट इज इक्वल टू -1/12 एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन क्वांटम फिजिक्स। सो आज इस वीडियो में हम इसी को प्रूव करने वाले हैं एंड लेट स्टार्ट इट। सबसे पहले वी हैव अ सीरीज, लेट नेम्ड इट ए एज 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस इट कंटिन्यू टू इनफाइनाइट दिस सीरीज। एंड नाउ व्हाट विल बी इट इक्वल टू, या किसकी इक्वल होगी? इट शुड बी इक्वल टू आइदर 1 और इट वुड बी इक्वल टू 0। या तो यह इसका सम 1 होगा या फिर 0, क्योंकि अगर हम एक सम लेते हैं तो ये 1 आएगा, दो डिजिट को ऐड कर देंगे तो 0 आएगा, 3 डिजिट को ऐड करेंगे तो फिर 1, यानी कि इसका आंसर 0 और 1 होना चाहिए, बट इट इज नॉट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसका सम किसके इक्वल होगा देखते हैं इस वीडियो में आगे। सो ए, सबसे पहले हम क्या करना वाले हैं, 1 को लेफ्ट करते हैं, इसके बाद नेगेटिव, इसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये 1 जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव 1 प्लस ये वाला पॉजिटिव, नेगेटिव 1 प्लस 1 एंड दिस सीरीज कंटिन्यू टू इनफाइनाइट। सो वंस अगेन वी गेट दिस सीरीज दैट इज नेम्ड ए, तो इसकी जगह हम ए फिर से रखने वाले हैं। इसके बाद नेगेटिव ए, इसको हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, इट बी इक्वल टू 1। सो जो ए की वैल्यू आएगी वह होगी 1/2, इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देते हैं। एंड नाउ वी डिफाइन अनदर सीरीज दैट इज बी इक्वल टू 1 - 2 + 3 - 4 + 5 एंड इट कंटिन्यू इन द सेम मैनर। अब हम क्या करने वाले हैं, ए जो हमने पहले डिफाइन की थी सीरीज उसमें से बी को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सो ए माइनस बी इक्वल टू 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं हम इस वाली सीरीज को 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। ओके, सो ए माइनस बी, इसको माइनस करते हैं, सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं 1,
एंड माइनस वन प्लस इसका माइनस वन एंड इसका नेगेटिव टू प्लस नेगेटिव टू इंटू नेगेटिव सो इट वुड बी पॉजिटिव टू प्लस टू. सिमिलरली इसका आएगा प्लस वन प्लस थ्री एंड सॉरी प्लस नहीं यहाँ पर आएगा माइनस का साइन एंड फर्दर माइनस वन एंड माइनस माइनस प्लस फोर एंड फर्दर प्लस वन एंड माइनस फाइव एंड इट विल कंटिन्यू इन द सेम मैनर. सो वी हैव ए माइनस बी इक्वल टू ए होगा जीरो ए होगा वन ए होगा माइनस टू एंड यह इक्वल होगा प्लस थ्री के एंड इट माइनस फोर प्लस फाइव माइनस सिक्स एंड इट कंटिन्यूज टू इनफाइनाइट ए माइनस बी. सो फाइनली वी गेट ए माइनस बी वी गेट द सेम सीरीज दैट इज इक्वल टू बी वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर दैट इज इक्वल टू बी दैट इज वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव. सो वी विल राइट हियर बी एंड ए विल बी इक्वल टू टू बी. सो वी हैव वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू ए बाय टू दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ दैट इज इक्वल टू वन बाई फोर्थ. सो बी इट विल बी इक्वल टू वन ओवर फोर. इक्वेशन सेकेंड नेम दे देते हैं इसको एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अनदर सीरीज दैट इज आवर रियल सीरीज दैट इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन एंड कंटिन्यू इन सेम मैनर. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. सबसे पहले हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो बी सीरीज डिफाइन की थी हम उसमें से सी को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. जो बी थी वह क्या थी, वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव प्लस माइनस सिक्स. तो सबसे पहले हम बी को लिखेंगे जो बी था वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव माइनस सिक्स एंड डॉट डॉट डॉट. इसमें से सी को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं जो सीरीज जिसका सम हमें रियल में फाइंड करना है डेट इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स एंड फाइनाइट. सबसे पहले इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं वन माइनस वन प्लस माइनस टू एंड हियर माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस माइनस फोर माइनस फोर प्लस फाइव माइनस फाइव एंड इट कंटिन्यू एंड हियर वी आल्सो ऐड आवर नेक्स्ट टर्म माइनस सिक्स एंड इट कंटिन्यू इन सेम मैनर. सो वी गेट पी माइनस सी इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू जीरो माइनस फोर प्लस जीरो माइनस एट प्लस जीरो माइनस ट्वेल्व प्लस जीरो and it continue in same manner. So b minus c it will be equal to minus 4 minus 8 minus 12 minus 16 and so on so on so on. So b minus c it will be equal to minus 4 minus 4 isme se common lenge to ye bachega 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot dot dot. और जो यह सीरीज है यह सीरीज फिर से हमें मिलती है जो इक्वल है सी के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. सो बी माइनस सी इक्वल टू होगा माइनस फोर सी के इक्वल. जो नेगेटिव सी है उसको हमें साइड राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो आएगा बी इक्वल टू माइनस थ्री सी एंड सी विल बी इक्वल टू नेगेटिव वन ओवर थ्री इन टू बी. और बी की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी यहाँ पर b जो इक्वल था 1 ओवर 4 की. सो b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1 ओवर 4 सो c विल बी इक्वल टू नेगेटिव 1 ओवर 12. सो फाइनली वी गेट आवर सम दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट
विल बी इक्वल टू वन ओवर नेगेटिव वन ओवर ट्वेल्व, डेट इज 0.833333. सो हेंस फाइनली वी हैव प्रूव रामानुजन सम, डेट इज sum of all natural number is equal to negative 1 over 12. I hope you will like the video. Thanks for watching. Also share this video with your friends and subscribe our channel for getting more mathematics video like this.